नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुशा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अयोध्या में प्रभु राम। बस कुछ पलों का और इंतजार जब रामलला के स्वागत के लिए तैयार है अयोध्या धाम। राम भक्तों को सालों से जिस पल का इंतजार है उसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। मानो ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग एक बार फिर से वापस लौट आया हो। जिस प्रकार 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, ठीक उनके स्वागत की तैयारियों में पूरी अयोध्या ने उत्सव मनाया था। ठीक उसी तरह से 500 सालों की कठिन तपस्या के बाद एक बार फिर से राम जन्म भूमि पर श्री राम का मंदिर बना है और आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देशवासी प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे और लगातार स्वराज एक्सप्रेस भी वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जहां मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और वीवीआईपी एक ही श्रृंखला में लगातार पहुंच रहे हैं, बैठ रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ पलों का और इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा और ऐतिहासिक पल के का हर कोई साक्षी बनेगा। तो 17,000 से ज्यादा न्योते पहुंचाए गए थे जिसमें 6,000 वीवीआईपी से। और ये देखिए तस्वीर देखिए, विशाल कौशल, कैटरीना कैफ, तस्वीरों में आपने देखा, यानी अभिनेता भी हैं इनमें जिन्हें न्योते मिले थे और वो भी पहुंच रहे हैं। कैटरीना कैफ कुछ देर पहले आपने तस्वीरों में देखी। He likes one of the bhajan composed by me, that's Ram Ki Dham. So it's a beautiful feeling and I'm very happy to be here and waiting for that, as all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब एंटर कर रहा था, after the security, I started weeping. And that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. The tears well up in your eyes, and right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanumanji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. So Anu Malik, जो एक सिंगर हैं उन्हें भी न्योता मिला था और वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि कैसा अनुभव उनका रहा अयोध्या पहुंचने पर। We feel we are really fortunate that we are seeing this day as a really happy occasion. Sir, the way Ayodhya is developing, what is your is your any plan or something? So Ayodhya has developed really well. The infrastructure, the airport, the roads have been widened. It's looking really beautiful. It's a really festive mood over here, and the people all over the country. You know, we are a country of 1.5 billion people, and I think today the whole country and Indians all over the world are really, really happy on this happy occasion. Thank you so much. Thank you. तो खास शख्सियतों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि रजनीकांत भी पहली कतार में नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। और तमाम जो अभिनेता, नेता, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर्स, यानी हर एक सेक्टर से लोगों को न्योते मिले हैं। जो वीवीआईपीज हैं उनके श्रृंखला में वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में नजर आता जा रहा है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी कलाकार, अभिनेता हैं जो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तो जैसे जैसे उनकी प्रतिक्रिया, अपना अनुभव वो मीडिया से साझा कर रहे हैं, वैसे वैसे हम आपको उनकी जो तस्वीर है और उनका अनुभव साझा करते हुए जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो भव्य मंदिर परिसर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गौरतलब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आम जनता है
उनके लिए जो लोग मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें न्योता नहीं है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर के बहुत बाहर जो जगह जगह चौक चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जहां पर सीधा प्रसारण वो देख पाएंगे कि कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और ज्यादा अपडेट्स, ज्यादा और जानकारी के साथ राघवेंद्र तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, क्या अपडेट्स आपके पास, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, क्या और जानकारियां आपके पास? देखिए मिश्रा जी, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से चल चुके हैं, सीधे राम मंदिर आ रहे हैं, रामकथा पार्क होते हुए राम मंदिर पहुंचेंगे और 12:55 पर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 84 सेकंड का है, 12:00 से शुरू होगा जो 12:55 तक रहेगा और उसके बाद उसके पहले आंख की पट्टी भगवान लला के आंखों से खोल दी जाएगी। सबसे बड़ा अवसर यही है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि रामलला कैसे होंगे। हालांकि सोशल मीडिया में तमाम मूर्तियां इधर उधर से लोगों ने देखा है, लेकिन जो असली मूर्ति है रामलला की वह दिखाई देगी 12:55 के बाद। कई सौ वर्षों के बाद की तपस्या के बाद भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं। अयोध्या सहित पूरे देश दुनिया में उत्साह है। हम अयोध्या की बात करें तो जगह जगह लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कोई हनुमान बना है, कोई राम बना है, कोई सीता बना है, कोई कृष्ण बनकर सड़कों पे घूम रहे हैं, उनसे लोग आनंदित हो रहे हैं। महिलाएं सोहर गा रही हैं रामलला के आगमन को लेकर और जगह जगह पुष्प वर्षा की तैयारी की गई है। 12:55 पर सेना के हेलीकॉप्टर अयोध्या राम मंदिर पर और जगह जगह पुष्प वर्षा करेंगे। क्योंकि त्रेता युग का जो एक नजारा दिमाग में रहता है कि भगवान राम जब रहे होंगे तो त्रेता युग कैसी रही होगी, किसी ने देखा नहीं कि वो कल्पना में ही है, लेकिन उस कल्पना को साकार करने की पूरी कोशिश संघ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, जिस तरह से विकास किए गए हैं, जो आदमी आज रहा, जो अयोध्या जो आदमी आ रहा है वो देख रहा अयोध्या को, वो निहारते ही रह जा रहा कि अयोध्या ऐसी भी बन सकती थी। क्योंकि जिसने अयोध्या को उसके पहले देखा होगा, सकरी गलियां, छोटे टूटे फूटे मकान, एक साफी सी नगरी दिखती थी अयोध्या, लेकिन आज अयोध्या चमक रही है, चारों तरफ खुशहाली दिख रही है। अब खुशहाली हो कि उन्होंने जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया है, व्यवसाय भी बढ़ा है, लोगों को रोजगार भी मिले हैं। कुल मिला के राम आए हैं तो खुशियां आई हैं और खुशियों को लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी 1 बजे शिव मंदिर भी जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है बुसरा जी कि जो श्रमिक इस काम में लगे थे, जो मंदिर निर्माण में लगे थे, उनसे भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान राम का घर तो इन्होंने ही बनाया है, भले ही पैसा ट्रस्ट ने दिया हो, जो भी किया हो, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस लगनशीलता से इन्होंने काम किया, वह परिणाम सबके सामने है, पूरी दुनिया उसे निहार रही है। तो प्रधानमंत्री उनसे भी मिलेंगे, सफाई कर्मियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा जो उनकी कोशिश है कि जो अति विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनसे भी एक बार मिलने का कार्यक्रम है कि एक रास्ते चलते जाएंगे, सबसे नमस्कार दुआ सलाम होता जाएगा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, इंतजार घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, कुछ समय बाद रामलला की आंखों की पट्टी खोल दी जाएगी। ये तो रही कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी के कैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और किन किन से मुलाकात होगी, क्या रहने वाला है। लेकिन क्योंकि आज दिन भर कार्यक्रमों की श्रृंखला रहने वाली है, बहुत अच्छे से आपने बताया, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार से और बताइए कि दिन भर का जो कार्यक्रम की श्रृंखला रहने वाली है। अरुण गोविल, वो अभिनेता जिन्होंने, देखिए बुसरा जी, प्रधानमंत्री मोदी 12:55 पर जब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद शिव मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे, एक छोटी सी सभा रखी गई, वहाँ अपना संबोधन देंगे। उसके बाद सरजू आरती का प्रोग्राम है, उसके बाद शाम को आतिशबाजी की जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली चले जाएंगे। क्योंकि दिन भर का कार्यक्रम उनका फिक्स था, कुल 3 घंटे का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ समय बढ़ाया जा रहा है कि ताकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में ज्यादा समय तक रह सके। उन्होंने इसके लिए शायद सहमति भी व्यक्त कर दी गई है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। हाँ, इतना जरूर है कि रामलला की पूजा के बाद वह 1 घंटे के आसपास परिसर में रहेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, उसके बाद शिव मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। कुल मिला के प्रधानमंत्री का करता, लेकिन हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है
वह देर रात तक चलने वाला है, क्योंकि गीत संगीत तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, कथा पाठ में भी प्रवचन होगा, तमाम संत महात्माएं उनके प्रवचन होने हैं, शाम को लेजर शो किया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी, सरयू के तट पर जो राम की पैड़ी कही जाती है वहां पे 10 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलकर एक मनोरम दृश्य पैदा करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से किया जा रहा है, ताकि जो ऐतिहासिक क्षण है वह जीवन भर सबको याद रहे। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हालांकि आज सूर्यदेव थोड़ा प्रसन्न हुए हैं, कई दिन की कुहासे के और कड़क सर्दी के बाद आज सूर्यदेव की किरणें दिखाई पड़ी हैं, थोड़ा गर्मी का एहसास भी है, तो मौसम भी साफ है, लोगों में उत्साह भी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा था, वो आ चुके हैं, कुछ पल में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा, उसके बाद 12:55 पर यह विधि संपन्न मानी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मुलाकात करेंगे, श्रमिकों से मुलाकात करेंगे, फिर शिव मंदिर जाएंगे। उसके बाद अगर कार्यक्रम उनका आगे बढ़ता है तो हो सकता है शाम को आतिशबाजी और लेजर शो में हिस्सा लें, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जितने भी बड़े मेहमान हैं सब रहेंगे, और शाम तक अयोध्या में गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहेगा। जी, और जैसा कि इसके पहले भी आपने जानकारी दी थी कि 17,000 के लगभग न्योते थे, जिसमें से 6,000 खास मेहमान हैं, तो मैं चाहूंगी इसको लेकर के भी आप जानकारी दे पाएं कि बैठने की व्यवस्था कैसी, क्या वहां पर की गई है, इंतजाम कैसे किए गए हैं, क्योंकि इतने सारे खास मेहमानों को खास तरीके से, क्योंकि मेहमान बतौर उन्हें बुलाया गया है, तो कैसे उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके अलावा, क्योंकि हमने देखा था कि राम मंदिर परिसर के लिए उपहार देने का भी जो सिलसिला है वो बहुत पहले से देखा जा रहा था, तो इसको लेकर के और क्या जानकारी है कि उपहार क्या मिले हैं और कैसे इस कार्यक्रम को और खास बनाया जाएगा उन खास लोगों के लिए? 12:20 पर जी बिल्कुल, उपहार बहुत आए हैं, पूरे देश से उपहार आए हैं, 10 करोड़ से लेकर 5 करोड़, 1 करोड़ तमाम लोगों ने दान किए हैं मंदिर को। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जनकपुरी से, मिथिला से उपहार आए हैं, बाहर आए हैं, एक परंपरा निभाई, सीता जी के मायके से उपहार आया है, जिस तरह से लड़की की शादी के बाद उपहार आते हैं सभी लड़कियों के घर पे, उसी तरह से उपहार आए हैं। छत्तीसगढ़ से धान आया, चावल आया था, जिसकी आज खीर बनी है, रामलला को भोग भी लगाया जाएगा, वही चावल अच्छे के रूप में आगे भी भेजा गया, लोगों को बांटा भी जा रहा है। इसके अलावा पीतल के स्तंभ आए हैं मुरादाबाद से, तमिलनाडु से कोदंड इत्यादि आए हुए हैं, लकड़ी के जो उपकरण है सब आए हैं, और तमाम लोगों ने चांदी के कमल के फूल बनाकर ट्रस्ट को भेंट किए हैं, किसे मंदिर में कहीं स्थान दिया जाए। लेकिन जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय ने, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम कीमती चीजों को दीवारों पे नहीं लगा सकते, सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर जो लोग भी आ रहे हैं, कहीं कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई नकदी दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है, तो उपहार का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात, मेहमानों के बैठने की, तो QR कोड से उनको एंट्री दी गई थी। मंदिर के एक तरफ 500 कुर्सियां लगाई गई हैं, दूसरी तरफ 6,500 कुर्सियां लगाई गई हैं, सब जगह LED स्क्रीन लगाई गई है। जो 500 कुर्सियां हैं वहां पे अति विशिष्ट लोग बैठाए गए, जैसे मोहन भागवत हैं और सचिन तेंदुलकर हैं, तमाम राज्यपाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों के बैठने की व्यवस्था इधर की गई है। बाकी जो अन्य कलाकार आए हैं, साहित्यकार आए हैं, डॉक्टर आए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, उनको दूसरी तरफ बैठाया गया है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनको बैठाया गया, ताकि सभी लोग आराम से दर्शन मंदिर में देख सकें, जो पूजन विधि उसको देख सकें। जिन्हें नहीं दिखाई देगा उन्हें LED स्क्रीन पर देखना होगा, क्योंकि वहाँ कई संख्या में LED स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ राम पथ पर भी LED स्क्रीन लगाई गई है, धर्म पथ पर LED स्क्रीन लगाई गई है, रामकथा पार्क में LED स्क्रीन लगाई गई है, सरजू घाट पर भी LED स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ तक कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी LED स्क्रीन लगाई गई है, ताकि कोई आदमी इसे देखने से वंचित न रह पाए। हो सकता है कोई यात्रा में हो, तो बसों में भी लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। अब देखना होगा इसका कितना पालन हो पाता, लेकिन इतना जरूर है सरकार की कोशिश यही है कि सब लोगों तक यह संदेश पहुंचे, सब लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सजीव चित्रण देख सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रामेंद्र जी। तो अयोध्या की लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रही हैं, इसे ऐतिहासिक पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, इसलिए ये ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं उस क्षण की, वो लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल आप अयोध्या से राम मंदिर परिसर की ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला किस तरीके से जारी है। लगातार खास मेहमान, जैसे कि कुछ